देश का पॉलिटिकल शो जारी है। इंडिया गठबंधन में एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर बड़ी हलचल, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब में बड़ी तनातनी चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनका एक बयान कांग्रेस को नाराज कर गया। भगवंत मान ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा, एक थी कांग्रेस। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पोस्ट किया, एक था जोकर। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नू दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नू दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नू दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। तो भगवंत मान को आप सुन रहे थे, पंजाबी में कह रहे थे कि दिल्ली और पंजाब में माँ जो है वो अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। अब कांग्रेस प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया, एक था जोकर। तो एक था जोकर, ये पवन खेड़ा की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। ऐसे में आप सवाल ले आइए, सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। ये जो तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन के दलों के बीच, लड़ रहे हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी, ऐसे में जब लड़ रहे हैं कांग्रेस आप, कैसे तय होगा पंजाब? ये तो मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे छोटी कहानी के चक्कर में इंडिया गठबंधन में सबसे लंबी लड़ाई छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं भगवंत मान। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर हर प्रदेश में, खासतौर से जो पेचीदगी वाले प्रदेश हैं, कभी आपको मामला सुलझता हुआ लगेगा, कभी मामला थोड़ा थोड़ा उलझता हुआ लगेगा। ये प्रक्रिया लगातार उनकी चल रही है और मुझे नहीं पता ये प्रक्रिया कब खत्म होगी। उम्मीद सब लोग ये करते हैं कि शायद ये 20 जनवरी तक, 15 से 20 जनवरी तक कुछ तालमेल की स्थिति में पहुंच पाएंगे, हालांकि मुझे इसमें शक है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर भगवंत मान ने ये जो एक थी कांग्रेस कहा और उसके बदले में एक था जोकर कहा गया, उसके बाद में मेरी जो जानकारी है, और आशीष जी शायद मेरी बात की तस्दीक करेंगे, अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन लोगों को कहा गया है कि आप जरा गठबंधन के सवाल पर संभल कर बोलें और इस तरह से बोलें ताकि गुंजाइश रहे। देखिए, ये जानते हैं वो लोग कि पंजाब में तो अगर दोनों अलग अलग भी लड़े तब भी कुछ सीटें निकाल लेंगे, लेकिन दिल्ली में अगर अलग अलग लड़े तो बिल्कुल सुपड़ा साफ होना बिल्कुल तय है। दिल्ली का जो चुनावी सीन है उसमें तो दोनों अगर जोड़ के लड़े तभी भाजपा को कुछ मुकाबला दे सकते हैं। इसलिए एक राय उसमें यह भी बन रही है कि पंजाब और दिल्ली को मिलाकर एक पैकेज डील तैयार की जाए, उसमें गुजरात भी जुड़ सकता है उस पैकेज डील में, उसके हिसाब से फिर कांग्रेस से उनकी बातचीत हो। नहीं, पैकेज डील में तो फिर हरियाणा को भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां के लिए भी आम आदमी पार्टी के सपने बड़े। पर शुक्ला जी, जिस बात का भी जिक्र कर रहे थे यहाँ पर अभय जी, वो पंजाब और दिल्ली की बात कर रहे थे, तो भगवंत मान बेहतर होता कि पंजाब के संदर्भ में ही बोल लेते, क्योंकि वहां पर अगर आमने सामने की टक्कर होगी, दोनों पार्टियां तालमेल नहीं कर पाएंगी, तो भी कहीं ना कहीं गुंजाइश बचती है कि सीटें इन्हीं के खाते में आएंगी। पर दिल्ली में तो सही बात है जो अभय जी ने कहा, नुकसान बड़ा होगा। अभय जी सही कह रहे, दिल्ली में तो निश्चित तौर पे एक बड़ा नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है पुरानी स्थितियों को फिर वापस ले आएगी, सारी सीटें जीत सकती है। लेकिन पंजाब की जहां तक बात है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत संभल के रहने की जरूरत इसलिए है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन था एक सीट का और उपचुनाव में वो सीट भी उसके हाथ से चली गई। 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं, इसलिए लोकसभा में कम से कम कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा मजबूत स्थितियों में है और उसका दावा भी बनता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को तलखी लाना ठीक नहीं लगता क्योंकि उसके पास आज भी एक वोट बैंक है कांग्रेस के पास वहां पे, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है कांग्रेस के पक्ष में। अकाली दल की स्थितियां वहां बहुत अच्छी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो कुल मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। इसलिए आम आदमी पार्टी यदि कांग्रेस के साथ रहेगी तो मुझे लगता है लोकसभा में उसको फायदा होगा, लेकिन ये तलखी दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। आपने वो जो बात कही ना कि साहब उपचुनाव संगरूर वाली सीट की, संगरूर सीट की हम बात, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए ना, वो जलंधर वाला जो बाय इलेक्शन हुआ वहां पर आम आदमी पार्टी ने खाता खोल लिया और वो भी उस सीट पर जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो खैर, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।